Okay, so let's start the discussion on the further topic of क्वांटम मैकेनिक्स। तो हाँ, एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहाँ से भी सवाल आ सकता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ठीक है। हर्मिसिटी ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, मतलब हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स ऑपरेटर जो होता है वो हर्मिशियन होता है ना? तो ये चीज़ प्रूफ करनी आपको आनी चाहिए कि वो हर्मिशियन कैसे होता है, ठीक है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के तरीके से हम लोग ये निकालेंगे कि किस अकॉर्डिंगली हर्मिशियन वो होता है। देखो, कल वाला आपने यहाँ तक पढ़ा था, अब इसके बाद जो है स्टार्ट करो। हर्मिसिटी, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो। ऑफ हैमिल्टोनी, मतलब हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। तो किस अकॉर्डिंगली ये हर्मिशियन होता है वो चीज सिद्ध करना है। लिखो, वी नो दैट द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर इवोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूनिटरी ऑपरेटर। ये कल हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था। इफ द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स If the Hamiltonian matrix is Hermitian, तो ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो यूनिटरी ऑपरेटर हो सकता है अगर हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन हो, या फिर उल्टा भी देख लो। वी विल शो दैट द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स विल बी द हैमिल्टोनियन matrix will be Hermitian. If the probability is conserved, कंसर्व्ड, ठीक है ना? ये भी एक तरीका है। दैट इज द टोटल प्रॉबर्टी, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल बेसिस स्टेट will be unity। मतलब ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिस्टम की जो टोटल प्रायिकता है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी टोटल, क्या हो सकती है वो? समेशन ऑफ ci, मतलब c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब, उन सब का सम क्या होना चाहिए बेटा? 1। इसका मतलब ये होता है कंजर्व।
इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्व, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि कंजर्व मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टेंट है, कंजर्व है। आप जब इसका मोड का स्क्वायर सोल्व करते हो ना बेटा, तो ये कितना आता है, स्टार फॉर्म में और एक बिना स्टार का, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो, तो पहले सी आई स्टार को और फिर सी आई को कांस्टेंट रखो, अब आप लोगों ने कल एक चीज देखी थी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कल निकाली थी, तो कल का रजिस्टर देखना, वहाँ से यूज़ करेंगे। सो वी नो यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये होती है कि डी अपॉन डी टी टाइम ऑपरेटर, ये होता है यहाँ पे माइनस आयोटा अपॉन एच कट। ये कल वाली इक्वेशन में आप देख लेना, समेशन ऑफ आई जे एच आई जे सी आई जे, मतलब कुल मिला के ये वो है एच साइन बराबर ई साइन, बस ई में आपने क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी, और साइन मतलब आपने सी पुट कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू, अब आपको इक्वेशन नंबर वन में एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, सी आई स्टार का डेरिवेटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, सो टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा इससे, आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे, एच कट तो भी कांस्टेंट है, फिर ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये स्टार हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप इक्वेशन थ्री और टू से वैल्यू वन में पुट कर दो, ठीक है। तो वन में पुट करोगे वैसे ही तो आपका क्या हो जाएगा, देखना, वन में पुट करोगे तो यहाँ पहले सी आई था और साथ में था डी सी आई स्टार अपॉन डी टी, तो वो कितना है, आयोटा अपॉन एच कट, फिर प्लस था या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ था डी सी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो दोनों स्टेप में आयोटा अपॉन एच कट तो ऐसे ही कॉमन आ रहा है, समेशन लग ही रहा है, यहाँ पे सी आई माइनस अगर मान लो सी आई सी जे, सी आई सी जे, ठीक है। अगर मान लो मैं इफ ये ले लूँ कंडीशन, देखो आयोटा अपॉन एच कट तो वैसे भी चला जाएगा जीरो में, इसको छोड़ो, समेशन हट जाएगा बिकॉज आई बराबर जे आपने कर दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आयोटा अपॉन एच कट समेशन ऑफ सी आई स्टार सी आई, और यहाँ हो जाएगा एच स्टार माइनस एच,
अब ये तो प्रोबेबिलिटी है वैसे भी, ठीक है, तो ये जीरो हो नहीं सकती, ठीक है, तो जीरो कौन सा होगा, सेकंड पार्ट विल बी जीरो, है ना, तो इसको फर्स्ट पार्ट बोल दो। प्रोबेबिलिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब कुछ भी नहीं है सिस्टम में, इसीलिए हम ये मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। सो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जीरो कौन होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एच स्टार बराबर एच, ये लो हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ हो गया। इसको आप जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, सो इन जनरलाइज्ड फॉर्म दैट्स इट, तो नीचे की लाइन लिख लो, दैट इज द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, विल बी हर्मिशियन, इफ द प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व्ड, इफ द प्रोबेबिलिटी कंजर्व, ठीक है, तो ये बात है बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इस यूनिट का मात्र एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद ये यूनिट तुम्हारी फिनिश ख़त्म। उस टॉपिक का नाम है पाउली स्पिन मैट्रिसेस, बस ये पाउली आप ख़त्म कर लो तो इतने में ये यूनिट आपकी फिनिश, ठीक है ना, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पाउली स्पिन मैट्रिसेस जो होती है वो नेट में भी बहुत आती है आपके, ठीक है ना, नेट में बहुत जम के आती है, तो हेडिंग दो पाउली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है क्वांटा पार्टिकल है, क्वांटा पार्टिकल हमेशा स्पिन कंटेन करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियोन, सो वी कैन से दैट वी हैव टू यूज द स्पिन हाफ पैरामीटर्स एंड द पाउली स्पिन मैट्रिसेस डिफाइन द स्पिन हाफ मैट्रिसेस। मतलब ये सिंपल सी बात बताती है कि अगर कोई क्वांटा पार्टिकल की स्पिन स्टेट हाफ है तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि आपको बढ़ा दिया मैंने कि क्वांटम स्टेट को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन क्वांटम स्टेट में सबसे बड़ी स्टेट होती है स्पिन स्टेट, तो हम स्पिन स्टेट को भी तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा, और जब स्पिन स्टेट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो वो पाउली मैट्रिक्स कहलाती है। नॉर्मली होता ऐसा है किसी भी क्वांटा पार्टिकल का जो स्पिन होता है ना, स्पिन जो होता है वो एच कट बाई टू उसकी डायमेंशन होती है और सिग्मा पाउली स्पिन, तो इस प्रकार से किसी भी पार्टिकल की स्पिन लिखी जाती है या किसी भी पार्टिकल की स्पिन स्टेट लिखी जाती है। वेक्टर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्पिन स्टेट जो है वो तीनों दिशाओं में होती है, एक्स में होती है, वाई में होती है और जेड में होती है, तो उनकी अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ये आपको याद रखनी है। सो पाउली प्रपोज्ड, तो पाउली ने क्या दिया, अ न्यू सेट ऑफ स्पिन मैट्रिक्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है,
दीज मैट्रिसेस हैव 2x2 डायमेंशन, दिस मैट्रिक्स है ना, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाऊंगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। एंड द आइगन वैल्यू ऑफ दीज मैट्रिक्स, द ठीक है ना, इनकी सबकी आगे प्लस माइनस होती है, सो पावरलेस मैट्रिसेस आर, तो ये क्या होती है, समझ में ध्यान से ना, थ्री डायमेंशन में होती है हमारी, है ना। तो एक तो होती है अलग से, ये तो कोई काम की नहीं है, दैट इज द निल, निल मतलब एकदम शांत, ये यूनिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको। जो मेन ध्यान रखना है वो है थ्री डायमेंशन में, मतलब सिग्मा जो होता है ना बेटा, ये तीन डायमेंशन में होता है, आई कैप एक्स डायमेंशन में सिग्मा एक्स, वाई डायमेंशन सिग्मा वाई, और जेड में सिग्मा जेड। तो मेनली ये तीन डायमेंशन ही आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सिग्मा एक्स जो होती है ये पहली पाउली मैट्रिक्स कहलाती है, दैट सिग्मा एक्स, ये आपको याद रखनी है। तो अब इसको कैसे आप याद रखते हो ये आपकी जिम्मेदारी, पर इसको याद जरूर रखना है आपको ना। दूसरी जो होती है ये इमेजनरी होती है, और तीसरी जो होती है अगर कंफ्यूजन हो तो फिर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करवा के देख लेना, ठीक है। सो यूजिंग पाउली मैट्रिसेस, इसको इक्वेशन नंबर आप एक नाम दो सारी इक्वेशंस को। सो यूजिंग पाउली मैट्रिसेस we can define the total spin of electron, है ना। जैसे मान लो स्पिन आपकी s है, तो डिफाइन कर सकते हो ना आप एस एक्स आई के प्लस कभी आपको अगर रिजल्टेंट निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो भी निकाल सकते हो, एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर। अब एस एक्स एस वाई एस जेड वैसे ही काम करेंगे जैसे एस बराबर एच कट बाई टू सिग्मा होता है, सिग्मा वेक्टर, है ना। तो सिग्मा वेक्टर में आप लोगों ने क्या लिखा था, ऐसे आप लिख सकते हो कि एस एक्स बराबर इसका मतलब एस वाई बराबर
माइनस वन, ठीक है। तो ये सारी मैट्रिसेस हो गई आपको जो ध्यान रखनी है। नाउ अब कोई भी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लिखते हो ना, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स सभी मैट्रिसेस की एक तरह से जो है कॉम्बिनेशन होता है। सो एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स इज विद रियल और इमेजनरी कॉम्पोनेंट विद रियल एंड इमेजनरी कॉम्पोनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्पिन मैट्रिसेस। विद रियल कोफिशियंट्स दैट इज एच जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट नाउ। सी वन ये रियल कोफिशियंट है, सी टू ये रियल कोफिशियंट है, सी थ्री ये रियल कोफिशियंट है, सी फोर ये रियल कोफिशियंट है, सारे रियल कोफिशियंट है। कैसे लिखना है इसका एक एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हें मैं कोई हैमिल्टोनियन दे दूँ, रिसेंटली हमने जो पढ़ा है वही ले लो, अमोनिया मॉलिक्यूल वाला। अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हैमिल्टोनियन को पाउली स्पिन मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिख सकते हैं हम किसी भी हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होगा नहीं, कौन अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। फिर आप चाहो तो देखो इसको और अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहो तो इनमें से कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ से ई कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से म्यू ई कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने माइनस ए कॉमन ले लिया, हो गई ना पाउली मैट्रिक्स सारी। तो ये क्या बन गई हमारे पास, ई जीरो पाउली मैट्रिक्स, थर्ड पाउली मैट्रिक्स, फर्स्ट पाउली मैट्रिक्स, है ना। तो इस प्रकार से हम हर तरह की पाउली मैट्रिक्स बना सकते हैं किसी भी हैमिल्टोनियन के लिए। अब आप एक काम करेंगे, आप एक होमवर्क करके लाएंगे कि मैं एक मैट्रिक्स दूंगा, उसकी आपको पाउली मैट्रिक्स बनानी है, मतलब उस हैमिल्टोनियन को पाउली मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के लाना है। इसका आंसर आएगा
ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर एक ये बोलती है कि पाउली मैट्रिक्स कोई सी भी हो, उसका स्क्वायर हमेशा वन होता है, चाहे पहली पाउली मैट्रिक्स हो चाहे दूसरी हो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं पाउली मैट्रिक्स का रिजल्टेंट निकालता हूँ स्क्वायर का, अब मैंने आपको पहले ही बोला था स्क्वायर कैसे निकलता है, तीनों कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऊपर से देख के लिख सकते हो, वन प्लस वन प्लस वन कितना होता है, ये थ्री होता है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तीसरा, इनके कम्यूटेशन रिलेशन है ना, मैं एक प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको, बाकी आप प्रूफ कर लेना घर बैठे बैठे ना। तो एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, तो यहाँ पर टू आयोटा सिग्मा जेड। इसी प्रकार से अगर आप वाई एक्स का निकालोगे तो ये उल्टा हो गया, उल्टा होते माइनस आ जाएगा, तो माइनस टू आयोटा सिग्मा जेड। सिमिलरली अगर मैं वाई के बाद जेड लिखता हूँ तो जेड के बाद हमेशा एक्स आता है, उल्टा कर देना तो माइनस वाला आ जाएगा। ऐसे अगर आप सिग्मा जेड, जेड के बाद एक्स आता है तो एक्स के बाद वाई आता है, इसका उल्टा कर देना, तो ये वाली प्रॉपर्टी। अब इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर सकते हो, बाकी प्रॉपर्टीज आपको खुद को करनी पड़ेगी प्रूफ। तो मैं आपको पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करवा दे रहा, बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप देख लेना, ठीक है। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ए बी को बी ए करने पर नेगेटिव साइन आता है, तो ये तो वही प्रॉपर्टी है। तो मैंने ए बी का कम्यूटेशन जो है ना वो बी ए कम्यूटेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब आगे देखो प्रूफ, तो प्रूफ ये है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को आप प्रूफ करोगे टू आयोटा सिग्मा जेड होना चाहिए। कैसे होगा देखो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेशन क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट करो, सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करो, और माइनस सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करो, सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो एक बार। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब इनको ऐड करो तो माइनस माइनस प्लस, तो टू आयोटा जीरो, टू आयोटा बाहर निकाल लो तो ये हो गया टू आयोटा सिग्मा से, दैट्स इट, क्लियर। अब बाकी प्रॉपर्टीज आप प्रूफ करना, ठीक है। और थोड़ा सा क्या हाथ में दर्द है तो आज आपको थोड़ा सा कम ही लेंगे क्लास,